मॉर्निंग बच्चों, बच्चों सब अच्छे हैं। देखिए हमने आपके कितने चैप्टर कंप्लीट कर दिए, 16। आज हम चैप्टर नंबर पढ़ने जा रहे हैं 17, मुकाबला। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? मुकाबला, किसका किससे मुकाबला हो रहा है इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? शब्दार्थ। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे बच्चों, शब्दार्थ। ठीक है, ये शब्दार्थ। ठीक है, देखिए भीषण, भीषण यानी डरावना। कलेजा, कलेजा यानी दिल। जहांपनाह, जहांपनाह का मतलब बच्चों बादशाह को कहते हैं, राजा को कहते हैं, संसार को शरण देने वाले जो राजा होते हैं, अर्थात बादशाह के लिए आदर सूचक संबोधन होता है, तो क्या कहते हैं उन्हें? जहांपनाह। पराक्रमी यानी वीर, और तेजस्वी यानी तेज वाला, जिसका बहुत तेज होता है उसको कहते हैं तेजस्वी। निहत्था, जिसके हाथों में हथियार ना हो। और तिलकाना यानी बेचैन होना, तिलकाना यानी बच्चों बेचैन होना। बेवस, बेवस यानी लाचार, असहाय, लाचार असहाय। और फौलाद की पकड़ यानी जोर की पकड़, फौलाद होता है अगर वो अपना हाथ पकड़ ले, अर्थात जोर से पकड़। प्रशंसा यानी तारीफ, बड़ाई। और गर्व यानी अभिमान। और किशोर यानी जो 11 से 15 साल तक के बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? किशोर। जो 11 से 15 साल तक की उम्र के बच्चे होते हैं उनको हम किशोर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? किशोर। अब देखो मुकाबला, ये एक शेर और एक बच्चे में मुकाबला हो रहा है। किसमें हो रहा है बच्चों? शेर में और एक बच्चे में। और बच्चा इतना तेजस्वी है ना, जिसकी आंखों में बहुत तेज है ना, बहुत तेज वाला है, तो ये जो है मुकाबला हो रहा है। अब आप ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे चैप्टर है बच्चों, कि लाल किले में बादशाह औरंगजेब, लाल किले में, लाल किले में बादशाह औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? दरबार, जिसमें सारे सैनिक बैठे हुए थे, काफी सारे लोग बैठे हुए थे, राजा बैठे हुए थे। दरबार के बीचों बीच मंच बना हुआ था। दरबार के बीच बीच में क्या बना हुआ था? मंच, जिस पर बहुत बड़ा पिंजरा रखा था। क्या रखा था बच्चों? बहुत बड़ा पिंजरा, उसमें एक भयंकर शेर था। बच्चों शेर से तो डर लगता नहीं, तो उसमें एक बहुत बड़ा शेर था, भयंकर डरावना शेर था बच्चों। उसकी लाल लाल आंखें बहुत डरावनी लग रही थी, और उसकी भीषण, जब आवाज कर रहा था तो उसकी भीषण जो है आवाज सुनकर, भीषण दहाड़ सुनकर सब लोगों के कलेजे कांप रहे थे, सब लोगों के दिल जो है वो कांप रहे थे, सब लोग घबरा रहे थे, क्योंकि बादशाह औरंगजेब के दरबार में बीचों बीच मंच पे पिंजरा रखा था, उसमें एक ऐसा भयानक शेर रखा था। उस पिंजरे में एक भयानक शेर था जिसकी लाल लाल आंखें थी, और उसको देखकर बहुत डर लग रहा था, दिल कांप रहा था बच्चों। ऐसे जो है शेर को पकड़कर कौन लाया था? बादशाह के शिकारी। ऐसे शेर को पकड़कर बादशाह के शिकारी जंगल से शेर को पकड़कर लाए थे। कहां से पकड़ के लाए थे बच्चों? बादशाह के जो शिकारी थे वो जंगल से इस शेर को पकड़कर लाए थे, और इससे पिंजरे में बंद कर रखा था। अब देखो शेर को देखकर, और ऐसे शेर को देखकर बादशाह ने बहुत गर्व से शेर की ओर देखा और कहा, बादशाह ने गर्व से जो है उनको अपमान हुआ कि ऐसा शेर तो किसी के पास नहीं हो सकता। तो बच्चों बादशाह ने क्या कहा? बादशाह ने बहुत गर्व से शेर की ओर देखा और कहा, क्या हमारे दरबार में कोई इतना बहादुर है जो शेर से कुश्ती लड़ सके? उन्होंने कहा, दरबार लगा हुआ था, उन्होंने कहा कि क्या जो ये शेर है, जो हमारे दरबार में जो ये शेर है, क्या कोई ऐसा बहादुर है, इतना बहादुर है कि कोई जो है शेर से लड़ सके? कौन शेर से लड़ेगा भाई? तो सब लोग क्या हो गए? शेर से कुश्ती लड़ सके। तो बादशाह की बात सुनकर सब दरबारी का सांप सुन गया, सब शांत हो गए। सबने कहा, ऐसे खतरनाक भयानक शेर से कौन लड़ेगा कुश्ती? तो सब लोग चुप हो गए, बिल्कुल भी आवाज नहीं हुई, सब लोग शांति बनाए। ऐसा लगा जिसके सभी जबानों पर ताले लग गए हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे सभी की जबानों पर क्या लग गए? ताले। अर्थात सब लोग चुप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अचानक महाराजा जस
जसवंत सिंह, वहां महाराज जसवंत सिंह भी आए थे, तो अचानक महाराजा जसवंत सिंह ने खड़े होकर बोला, जहां अपना यानी बादशाह है ना राजा जी, मेरा सिंह शेर को शाम भर में ढेर कर देगा। महाराजा जसवंत बादशाह जसवंत सिंह ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो मेरा शेर है वो इस शेर को जो है क्षण भर में ढेर कर देगा, है ना। तुम्हारे पास कैसे भी टाइप का शेर है, बादशाह ने पूछा। औरंगजेब बादशाह ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास इससे भी भयंकर शेर है, इतना भयंकर शेर है तुम्हारे पास। हाँ जहां अपना भाई, महाराजा जसवंत ने गर्व से कहा। महाराजा जसवंत सिंह बोले कि हाँ मेरे पास इससे भी भयंकर शेर है, जो इससे क्या करेगा, कुश्ती लड़ेगा। महाराज के पास होगा, औरंगजेब को हैरानी हुई, उन्होंने देखा कि इतना भयानक है, इतना खतरनाक है और इतना भयंकर लग रहा है शेर, तो क्या इससे कोई कुश्ती लड़ सकता है। तो महाराज को जो है औरंगजेब को आश्चर्य हुआ, है ना, उनको हैरानी हुई और वह बोले हम तुम्हारे सिंह की ताकत जरूर देखेंगे, बोले हम तुम्हारे शेर की ताकत जरूर देखेंगे, मगर यार